हाई गाइज सो हाउ आर यू दिस इज विजय मिश्रा योर कॉन्स्टेंट गाइड सो अभी जिस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं ना ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट आज क्वेश्चंस इन माय ऑन माय इंस्टाग्राम और फेसबुक और एनी सोशल मीडिया जहाँ पे ये कन्फ्यूज़न हमेशा होती है कि सर एसएससी को चुने या बैंक को चुने. और जनरली कन्फ्यूजन उनके साथ होती है जो अपनी तैयारी को जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उनको एक तैयार एक चाहिए होता है कि बैंकिंग के बाद अगर हमने बैंकिंग का एग्जाम दिया तो उसके बाद लाइफ कैसी होगी ट्रांसफ़र प्रमोशन सैलरी सारी चीज़ें सिमिलरली एस एस सी के बाद सो so, थोड़ा सा क्या है कि अपन दोनों साइड कॉइन के रह चुके हैं जैसे एस बी आई पी ओ में ऐसा मैं अभी काम भी कर रहा हूँ और एस एस सी की बात करें तो मेरा प्रोसेस चल रहा है तो मैंने काफ़ी सारी उसकी नॉलेज भी ले ली है और मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं एक फ्रेंड मेरा ई डी में काम कर रहा है एक फ्रेंड आई टी आई में है तो थोड़ा सा उनसे भी आइडिया मिल गया अच्छा खासा कि क्या क्या होता है ठीक है सो अभी बात करते हैं दोनों जॉब का अच्छे से कंपैरिजन करते हैं फिर ये आपका डिसीजन होगा कि किसको चुनना अच्छा होता है मैं टोटल छः या सात पॉइंट में बात करूंगा जिसमें आपका ट्रांसफर पोस्टिंग प्रोमोशन सैलरी एंड पर्स ज्वाइनिंग प्रोसेस सोशल रिस्पेक्ट और जितनी भी चीज़ें वर्क वर्कलोड वगैरह सबको डिस्कस करेंगे एक एक करके ठीक है अच्छा स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं चूँकि यहाँ दो मेजर जॉब्स का मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ एस बी और एस एस सी सी बैंकिंग में फ़िलहाल आई बी क्लर्क में एक हाइएस्ट ग्रेड की जॉब होती है सिमिलरली एस एस में भी जो टॉप पोस्ट हैं लाइक फोर्टी सिक्स हंड्रेड और फोर्टी एट हंड्रेड उनकी ही बात करूंगा मैं और भी उसमें छोटी पोस्ट होती हैं बयालीस ग्रेड पे अट्ठाईस ग्रेड पे चौबीस सौ ग्रेड पे की सो so, हम एस बी और एस एस की जो टॉप पोस्ट होती हैं फोर्टी सिक्स हंड्रेड ग्रेड पे की उनका कंपेरिजन करेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से सबसे पहले हम बात करते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस की और कितना टाइम लगता है एग्जाम के बाद से आपकी ज्वाइनिंग तक में तो इस मामले में देखिए ना जो बैंकिंग होती है जो एस बी होता है बहुत फास्ट होता है मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं तो 15 नवंबर को मैंने इसका नोटिफिकेशन आया था और 31 मार्च को मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी तो आप लोग खुद देख लो चार साल चार महीने में हो गया था ये ये तो चलो तब भी फास्ट हुआ था वरना मैक्सिमम टू तो मैक्सिमम बहुत टाइम लगता है तो सात से आठ महीने में पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाता है एग्जाम को लेके और ज्वाइनिंग तक सी में एस की सबसे ज़्यादा खराब बात यही है कि यहाँ पर क्या होता है कि टाइमिंग मतलब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते 2019 का मैंने दिया था उसका अभी वेट कर रहा हूँ फाइनल रिजल्ट का 18 वालों का रिजल्ट तो आ चुका है लेकिन कुछ लोग की अभी तक ज्वाइनिंग भी नहीं आई है ठीक है सो थोड़ा सा यहाँ टाइमिंग का इशू है अगर आपको लेस टाइम में जॉब चाहिए तो यहाँ पर थोड़ा सा एस बी की एक ओवरेज होती है ठीक है नेक्स्ट हम आते हैं सैलरी एंड पर्स पे देखिए सैलरी और पर्कस का तो अगर मैं बात करूं तो मैंने एस बी के सैलरी का एक पूरा डिफरेंट वीडियो बना रखा है उसको आप जाके देखना और वैसे मैं अभी आपको एक मोटा मोटा आइडिया अगर दे दूं तो सैलरी में देखिए क्या होता है कि सैलरी एस की पी की जो होती है वो अच्छी खासी होती है बेटर होती है इन इन कंपेरिजन टू एस एस सी जॉब्स अब बेटर मैं क्यों बोल रहा हूँ जैसे देखो एस बी में क्या होता है कि हाउस रेंट अलाउंस मिलता है जो कि अच्छा होता है पर्कस में बात करें तो लाइक जैसे पेट्रोल वगैरह का मिल जाता है वो अच्छा होता है प्लस मेडिकल रियम्बर्समेंट काफ़ी अच्छा मैंने कई बार बताया है हंड्रेड परसेंट होता है तो वो सब फैसिलिटीज़ वगैरह अच्छी होती हैं एक टीयर थ्री सिटी में भी जो आपका सी होता है मतलब तो ग्रॉस सैलरी होती है वो एटी के आसपास मिल जाती है आ, लेकिन एस एस सी में क्या होता है कि जो आपका पूरा ग्रॉस बनता है वो लगभग सेवेंटी के अराउंड ही बनता है सेवेंटी सेवेंटी टू थाउजेंड फोटी सिक्स हंड्रेड की की बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा सैलरी के मामले में एस ज़्यादा है इवन अगर आप बड़े सिटीज़ में चले जाओ मुंबई डेली तो वहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस थर्टी थाउजेंड मिल जाता है तो वो तो फिर वहाँ पर वन लाख भी क्रॉस कर जाता है ठीक है और कुछ एस बी उसमें ऐसा सी सीजल में कुछ ऐसे जॉब्स हैं लाइक आई हो गया आपका सी हो गया जहाँ पे ट्वेंटी परसेंट एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है और एक मंथ की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है तो तब भी वो सैलरी एस बी आई से कम भी होती है और अगर लॉन्ग रन में अगर जाए आपका सर ये तो अभी का है तो चार साल पाँच साल दस साल बीस साल बाद भी एस बी आई सैलरी ज़्यादा बढ़ती है ज़्यादा तेज़ बढ़ती है एज कम्पेयर टू एस एस सी सी की सैलरी ठीक है तो देखिए अभी हम ना वर्क प्रेशर और टाइमिंग की बात करते हैं uh, देखिए टाइमिंग और वर्क प्रेशर की अगर एस में बात करें तो एस में देखिए टाइमिंग्स हैं ज़्यादा आपको आठ नौ तो नॉर्मली बच जाते हैं ऑफिस में स्टार्टिंग uh, में प्रोवेशन में प्रोवेशन में ऐसा हो सकता है कि शायद आप सात बजे तक निकल जाओ बट आफ्टर यू बिकम मैनेजर आफ्टर टू थ्री इयर्स आपको दो ती uh, आपको आठ नौ तो नॉर्मल रहेगा इवन ऑडिट के टाइम्स में दस ग्यारह बारह भी बच सकते हैं जब ऑडिट होता है तो ठीक है और वर्कलोड की बात करें तो वर्कलोड का मतलब लोड क्या कह सकते हैं बट हाँ टारगेट्स होते हैं प्रेशर्स होते हैं करना होता है आपको बट इतना भी नहीं होता कि नहीं करो कुछ हो जाएगा वो आराम से हो जाते हैं लोग करते हैं उनको दूसरा अगर उसी के कंपेरिजन में सीजियल में बात करें तो सीरील में देखो अब चूंकि जॉब वाइज चीज़ें होती हैं जैसे मान लो कि जो कुछ टॉप की जॉब्स हैं लाइक सी वगैरह हो गया ई वगैरह हो गया इनमें जॉब प्रेशर होता है इनमें टाइमिंग भी सी बी में तो टाइमिंग भी अनसर्टेन होता है आपको सैटरडे संडे कभी बुलाया जा सकता है फिलहाल उसका वो एक्स्ट्रा अलाउंस देते हैं हाँ ठीक है तो लेकिन होता ये है जनरली अगर मैं बताऊँ रिमेनिंग जो हर जॉब्स हैं लाइक सी एस एस वाली हो गई और आई टी आई की हो गई और भी जैसे जी एस टी इंस्पेक्टर हो गया तो जनरल जो टाइमिंग होता है वो होता है नाइन टू सिक्स नाइन टू सिक्स आप काम करते हो हाँ लेकिन विद इन द ऑफिस काम होता है अच्छा खासा ये नहीं कि आप गिड़ी मार रहे हो टाइम वेस्ट कर रहे हो उस टाइम पर आप अच्छे से एकदम काम करोगे फ़ोन रख के फोन उसके बाद क्या होता है कि छह सात बजे आप फ्री हो जाते हो और उसके बाद आपको जो भी काम करना होता है कर सकते हो तो यहां पे क्या है कि थोड़ा सा टाइम का बेनिफिट मिल जाता है लोग छह सात बजे के बाद फ्री बात वर्कलोड की तो वर्कलोड जैसा मैंने बताया कुछ जॉब्स में लाइक सी और आई इन सब में जो होती हैं टॉप की इनमें होता है बाकी मोस्टली जॉब्स में नहीं होता है ठीक है तो इस चीज में थोड़ा सा सीरियल अच्छा है बेटर है एस बी से कमिंग टू फोर्थ पॉइंट ट्रांसफर या पोस्टिंग वगैरह में ठीक है तो सबसे पहले देखिए पोस्टिंग की बात करते हैं देखिए एस बी आई में पोस्टिंग आपकी बहुत ही अनसर्टेन है कहीं भी हो सकती है हो तो आपको एकदम टॉप क्लास सिटी मिल जाए मुंबई और हो तो एकदम गांव मिल जाए तो टॉप क्लास सिटी पहली बात तो थोड़ा सा मिलना मुश्किल होता है क्योंकि वो जनरली गर्ल्स को मिलता है या फिर पीडब्ल्यू डी कैटेगरी मतलब जो और भी लोग होते हैं उसमें क्या होता है मिलना मुश्किल होता है जनरली क्या होता है बॉयज़ को तो वहीं मिलता है यार क्या बोलते हैं गाँव वगैरह में मिलता है ठीक है और इवन आपको रूरल पार्ट में सर्व करना भी होता है अगर आप शहर में चले भी जाओ तो कुछ ऐसा मैंडेटरी होता है कि आगे आपको प्रमोशन करने के लिए आपको दो साल रूरल असाइनमेंट का सर्व करना पड़ेगा तो एस बी आई में अगर आप आ रहे हो तो ये मान चलो कि आपको एकदम भीगड़ गाँव में भी काम करने को मिलेगा ठीक है एस एस सी में क्या होता है कि चूंकि उसमें मैक्सिमम जॉब्स से पहली बात तो मिनिस्ट्री विस्ट्री की होती हैं तो वो दिल्ली में होती हैं सेंट्रल बेस्ड होती हैं और भी कुछ जो जॉब्स होती हैं वो भी कहीं पोर्ट पे होती हैं तो कहीं एयरपोर्ट्स पे होती हैं कहीं और जगह होती हैं ठीक है कुछ एक दो जॉब्स हैं इसी सी जी एल में जहाँ पर आपको टीयर टू टीयर थ्री एकदम सिटी में मिलेगा ठीक है आ, बाकी मोस्टली जॉब्स में पोस्टिंग अच्छी होती है ठीक है तो ये हो गया पोस्टिंग का आ, और ट्रांसफर की अगर बात करें तो एस बी आई पी ओ में क्या होता है ट्रांसफर थोड़ा फ्रिक्वेंट होते हैं आपका हर दो तीन साल पर ट्रांसफर होता रहता है क्योंकि आपका हर दो तीन साल में प्रमोशन होता रहता है ठीक है तो वो चीज़ें होती रहती हैं दूसरा एस एस सी में क्या है कि आप एक जगह के लिए एक जगह पे ज़्यादा टाइम के लिए रहते हो जैसे मान लो अगर आपको बैंगलोर जोन अलाउट हो गया तो आप वहाँ पे कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट रहोगे रहोगे पाँच दस दस साल रहोगे रहोगे उसके बाद जब प्रमोशन वगैरह होगा तो आपका चेंज होता है आई सी टी इंटर सर्कल ट्रांसफ़र ये तो एस बी आई पी ओ में पहले हो जाता था अभी भी होता है अभी थोड़ा टाइम बढ़ा दिया है एस एस सी में क्या है कुछ डिपार्टमेंट में तो आईसीटी बंद ही कर दिया है इंटर सर्कल ट्रांसफर बंद ही कर दिया है तो आपको जो एक बार सर्कल अलॉट हो गया वही सर्कल में आपको काम करना है तो इस मामले में अगर देखा जाए तो अच्छा बुरा नहीं बोलूंगा लेकिन ट्रांसफर ये याद रखना गवर्नमेंट जॉब्स में दोनों में होता है एस बी आई में थोड़ा तो ज्यादा ट्रांसफर होता है ज्यादा फ्रिक्वेंट होता है नेक्स्ट uh, आता है प्रमोशन और करियर ग्रोथ की अगर बात करें तो देखो प्रमोशन और करियर ग्रोथ में इस पॉइंट में क्या होता है कि एस बी थोड़ा सा इसका एज होता है अच्छा होता है क्यों क्योंकि एस बी में जैसे मैंने एक प्रमोशन का पूरा वीडियो बना रखा है कि कैसे एक एस बी आगे जाकर चेयरमैन बन सकता है सो so ऑब्वियसली इसमें कुछ समझाने का बात ही नहीं है अगर आप एस बी पे एंटर कर रहे हो और आप चेयरमैन तक जा सकते हो अपने रिटायरमेंट के बाद तो इसका मतलब ग्रोथ बहुत फास्ट होती है और होती भी है हर दो तीन साल में आप मैनेजर डिप्टी मैनेजर फिर ए जी वगैरह बनते रहते हो टाइमली प्रमोशन्स होते रहते हैं एस एस की जॉब्स में क्या होता है कि थोड़ा सा ये ड्रॉबैक है वहाँ पर टाइमली प्रोमोशंस नहीं होते हैं आप उसमें क्या है कि पूरे लाइफ कुछ ऐसी जॉब्स हैं उसमें तो फिलहाल एस एस सी में कुछ जॉब्स ऐसी हैं जहाँ पे आपका पूरे लाइफ में सिर्फ दो या तीन प्रमोशन ही होगा तो आप उस लेवल तक पहुँचते हो जहाँ पे एक आई आर एस या फिर आई एस ऑफिसर एंटर करता है ठीक है तो थोड़ा सा ये चीज़ मैं बोलूंगा यहाँ पे ये ड्रॉबैक है एस एस सी का प्रमोशन uh, और कुछ डिपार्टमेंट में क्या होता है प्रमोशन फास्ट हो भी जाते हैं तो वो फास्ट मतलब पाँच साल छः साल पे ही होते हैं ठीक है और जिनमें स्लो होते हैं उनमें तो आठ आठ दस दस साल पे होते हैं लाइक जीएसटी इंस्पेक्टर जीएसटी इंस्पेक्टर में तो आठ आठ दस दस साल से लोगों का अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ है जो पिछली बार सिलेक्ट हुए थे ठीक है तो थोड़ा सा ये प्रमोशन और करियर ग्रोथ की अगर बात की जाए तो इसमें एस बी का एज होता है नेक्स्ट आता है आपका सोशल रिस्पेक्ट फिलहाल अभी इंडिया में ऐसा है कि ऐसा बनाया गया है ये बहुत बरसों से चला आ रहा है कि जो ऑफ़िसर वगैरह होते हैं हम उनको बहुत ही सलाम करते हैं इज्जत मिलती है उनको ठीक है पहली बात तो अगर आप एस्पिरेंट हो तो आपको ये सब चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए अब फिलहाल यहाँ मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि पब्लिक किस नज़रिए से देखती है तो मैं आपको बता रहा हूँ बट बत मैं बताऊँ जब से फ़िलहाल अभी चीज़ें चेंज हो गई हैं गवर्नमेंट चेंज हो गई है सब लोग को काम करना होता है मेरे फ्रेंड के भाई वो आई ऑफिसर हैं उनको भी सरडे संडे को भी कभी बुला लिया जाता है और काफ़ी काम कराया जाता है प्रेशर वहाँ भी होता है तो वो आप दिन भूल जाओगे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में काम नहीं होता काम रहेगा सब कुछ रहेगा बट अगर रिस्पेक्ट की चलो बात करें जो पब्लिक जिस नज़रिए से देखती है उस केस में क्या होता है कि देखो एस 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 में कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो कि वेरी रेप्यूटेटेड हैं लाइक सीबीआई की हो गई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की हो गई जीएसटी इंस्पेक्टर की हो गई ईडी की हो गई तो ये सब काफ़ी पावरफुल जॉब्स हैं पावरफुल का मतलब अगर देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ तो जो पब्लिक देखती है वो प्लस ये भी होता है जैसे मान लो कि ईडी में जो मेरा फ्रेंड है तो उनमें क्या होता है कि लाइक इन लोग किसी के यहाँ रेड करने अगर कर जाते हैं तो वहाँ पे पुलिस इनको मिलती है ये सब चीज़ें होती हैं तो चूंकि फील्ड काम होता है तो वहाँ पे सोशल रिस्पेक्ट जुड़ी होती है आप पब्लिक के सामने जा रहे हो तो पब्लिक भी आपको देखिए कि हाँ भाई ऑफिसर हैं इनकम टैक्स से आए हैं लोग बोलते नहीं है अरे ये तो सी में काम करता है सी में काम करता है इज स्टिल कि लोग वैसे डर जाते हैं ना बड़े बड़े एक्टर डायरेक्टर आर्यन खान सब डर रहे हैं तो डरना पड़ता है एस बी आई पी ओ में क्या होता है कि देखो एस बी आई पी ओ में एक एक प्रोफेशनल रिस्पेक्ट होती है ना जैसे मान लो कि टीचर होता है वैसे एक मैनेजर होता है ठीक है आप हो जाते हो आप बैंक में होते हो वहाँ पे कोई भी आसपास आएगा आपको मैनेजर हो तो आपको ट्रीट करेगा जैसे मैं अभी गांव की पोस्टिंग बता रहा था जब आप रूरल में होते हो तो वहाँ पे साहब साहब करके लोग ऐसे बोलते हैं बट दैट शुड नॉट कंसर्न यू ठीक है बात करें तो सोशल रिस्पेक्ट के मामले में एस इसका ए, एस सी सीरियल्स इसका एच ज़्यादा होता है लोग इसको एक ज़्यादा अच्छे निगाह से देखते हैं ठीक है और एस बी का भी होता है बट एज कम्पेयर टू इससे नहीं होता क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट बहुत बड़े बड़े होते हैं एस एस सी में कुछ ऐसी जॉब्स हैं कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनमें तो शायद कोई पूछता भी नहीं है लोग पता भी नहीं होता लेकिन कुछ ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे भाई एकदम ही सलाम ठोकते हैं होते हैं अब ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन सी जॉब चूज़ करनी चाहिए ठीक है और दूसरा ये कि मैंने देखिए आपको बहुत ही सामने एकदम खुला चिट्ठा रख दिया है कि जब आप जॉब करने दोनों जॉब में आओगे तो पूरा आगे का लाइफ कैसा होगा ठीक है सैलरी पर ट्रांसफ़र सो so आई होप मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया होगा अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो ये अभी भी डाउट में है कि इससे सी जी एल वैसे बैंक पी हो एस बी आई पी ओ कौन सा बेस्ट होता है क्या एस्पेक्ट होते हैं और उन लोग को भी पता चलेगा इस इतना मैंने ब्रॉड इसका कंपेरिज़न किया है और लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती रहेंगी बाय बाय हैव अ ग्रेट डे